हमारे साथ इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय जी जुड़ने वाले हैं, जो उनको आप सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। और आपको बता दें, इस समय अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसमें एक कवि सम्मेलन हो रहा है, इसी में अपनी कविता सुनाने के लिए आए हैं। आपको याद दिलाने के लिए हम बता दें कि एक इनका कविता बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लोकप्रिय है, कि दरोगा जस मजा मास्टरी में न पैबा, और ठांस के पिस्टल बैठ के बुलेट पे, और आगे मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इन्हीं से बात करता हूं और सुन लेता हूं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अयोध्या में ड्यूटी भी करने आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। और आपकी लोकप्रियता ऐसे कि मैं तो देखा दो चार लोग जब आपकी सेल्फी ले रहे थे तो मुझे याद आया है, तो मैंने पहले भी किया है। अब आपने पहचाना नहीं, यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या के बारे में मैं क्या कहूँगा। अयोध्या के बारे में, अयोध्या तो सभी स्थानों से सबसे ज़्यादा पवित्र है, और बाबा दादा से लेकर के माता पिता और पूर्वज तक यहाँ आते रहे हैं। मुझे याद नहीं है कि मैं कितना बड़ा था तब से मैं यहाँ अयोध्या में आता था। बाबा थे, बाबा के साथ आता था, फिर पिताजी के साथ आता था, फिर नौकरी में आया तो ड्यूटी में भी आना हुआ, फिर कब सम्मेलन में भी आना हुआ, कभी दर्शन करने भी आना हुआ। तो अयोध्या के बारे में जितना भी कहा जाएगा वो कम ही है। मैं क्या कह पाऊँगा अयोध्या के बारे में। आपका जो वो वाक्या वायरल हुआ था, दो चार शब्द सुना के फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। तो ये आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा वायरल है। सर ये बताइए, आपका रुद्राक्ष बाहर आ गया है इस समय, ये आप जिस मंच पे आए हैं, काफ़ी बड़े बड़े कवि लोग साथ में आए थे, ये पॉपुलैरिटी जो कवियों के साथ मंच मिल रहा है आपको, ये शुरू से था कि जब आपको सोशल मीडिया पे अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली उसके बाद मिलना शुरू हुआ? फिर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कभी भी लक्ष्य नहीं रहा कि मैं बड़े कवियों के साथ पढ़ूँ। मेरा लक्ष्य जो रहा वो ये रहा कि मैं, जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं उनको मैंने अपना भगवान माना हमेशा, और उनके सामने की सदैव, उनके सामने काव्य पाठ करने की सदैव लालसा रही है। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैंने किन बड़े कवियों के साथ पढ़ा, बल्कि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो मुझको प्यार से सुनने आए हैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही लोग मुझे बड़ा बनाएंगे। तो ये हमारे अमृत विचार दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश, आप अमृत विचार अखबार पढ़ते जरूर होंगे, किस तरह से आपको? अरे खूब, इधर मुझे लगता है, मैं ऐसे तो आप पूछेंगे तो कोई भी कह देगा कि नहीं बड़ा अच्छा अखबार है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इधर 3-4 साल से, ज़्यादा नहीं, मतलब मैं बताऊँ कि नहीं 15 साल से पाठक हूँ कि इधर 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी तैनाती सीतापुर रही, फिर उन्नाव रही, इधर अयोध्या में भी आना रहा और बरेली वगैरह की तरफ भी, मैं देख रहा हूँ कि अब कहाँ कहाँ आपकी शाखाएं हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इधर काफ़ी लोग पसंद करते हैं अमृत विचार को, काफ़ी लोग पसंद करते हैं 3-4 साल से। मैं बहुत लंबा नहीं बता पाऊँगा कि नहीं बहुत लंबे समय से पसंद, 3-4 साल से हमारे अखबार की साख बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और लोग हमारे अखबार की जो खासियत है, निष्पक्ष खबरें, एकदम सटीक बातें, जो प्रशासन को अवगत कराना है और पब्लिक को बनाना, उसके लिए बना हुआ है हमारा अमृत विचार अखबार। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।